दिस लेक्चर दिस इज अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, जो अगर दो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स ठीक है एंड एक्स वाई क्रोमोसोम इन फेम जो कि सेक्स डिटरमाइन करते हैं बेबी का, तो अगर उस क्रोमोसोम्स में कुछ भी म्यूटेशन हो रहा है कुछ भी हो रहा है और वो इनहेरिट होकर ऑफस्प्रिंग्स में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अवियर्स अ ट्रेट व्हिच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमल एक्सक्लूसिवली ऑन द ईदर द एक्स क्रोमोसोम और ऑन द वाई क्रोमोसोम, या तो वो डिफेक्ट एक्स क्रोमोसोम में रहेगा या फिर वो वाई क्रोमोसोम में रहेगा। अगर वाई क्रोमोसोम में रहता है, वाई क्रोमोसोम का लिंक से जो इनहेरिटेंस होता है वो मोस्टली मेल्स में होता है, वाई क्रोमोसोम फीमेल से प्रेजेंट नहीं होते हैं, पर जो एक्स लिंक्ड होते हैं वो या तो फिर कैरियर होंगे फीमेल्स में या तो फिर कम्प्लीटली होंगे कैरियर, मतलब पूरा कम्प्लीटली वो इनहेरिट कर चुके होंगे ट्रेट को। तो वो कैसे होगा हम लोग उसको कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो डिजीज होते हैं, हीमोफीलिया ठीक है, क्योंकि ब्रीडर्स डिजीज बोले से ब्लड फेल्स टू क्लॉट कर जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है वो हीमोफीलिया डिजीज है, वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है एक तरह का, और एक क्या है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी जेनेटिक डिजीज है और ये भी दोनों ही क्या है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज है, मतलब एक्स क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ चेंजेस आया है म्यूटेशंस आया है जीन्स में जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग में वो इनहेरिटेंस हो रहा है ठीक है। तो सर्टेन हेरिटेरी डिजीज डिसऑर्डर्स सच एज हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर ड्यू टू रिसेसिव जीन्स व्हिच अकर ऑन द एक्स क्रोमोसोम ठीक है। तो हम यहाँ पे एक केस पहला केस लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए इसको, नॉर्मल मदर होगा तो पूरा के पूरा एक एक्स क्रोमोसोम होगा, कलर ब्लाइंड नहीं है वो, नॉर्मल है वो ठीक है मदर, तो जैसे एक्स क्रोमोसोम का पूरा के पूरा एक्स एक्स का कोई म्यूटेशन इसमें नहीं है, पर अगर वो कलर ब्लाइंड फादर है और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो कैसा है, वो एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज है, मतलब जो म्यूटेशन जो हुआ होगा वो एक्स क्रोमोसोम में हुआ होगा, तो ये कलर ब्लाइंड फादर क्या होगा एक्स नॉट वाई से रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये क्या है कलर ब्लाइंड फादर ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में मैरिज होता है ओके, एंड व्हेन दीस टू व्हेन दिस नॉर्मल मदर कोऑपरेट्स विद कलर ब्लाइंड फादर तो क्या होता है कॉम्बिनेशन ठीक है। तो पहले नॉर्मल मदर क्या क्या गैमेट्स रिलीज करेंगे, ये दो ओवा रिलीज करेंगे एक्स एक्स ठीक है, और फादर रिलीज करेगा दो स्पर्म्स एक्स नॉट एंड वाई। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा कॉम्बिनेशन होगा, तो अगेन वी विल मेक वन मिनट स्क्वायर ताकि कॉम्बिनेशन बताने में इजी हो जाए ठीक है। इस तरीके से एक्स 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 नॉट एंड वाई, तो एक्स एक्स नॉट कंबाइन करके ये बना लेगा, अगेन एक्स एक्स नॉट एक्स वाई एंड एक्स वाई। सो अब जो देखो दो डॉटर्स हुए लेकिन ये क्या है देखो एक ही क्रोमोसोम है, डोमिनेंट वाला जो ट्रेट है वो डोमिनेंट वाला जो प्योर ही है एक ही एक्स क्रोमोसोम्स में आ रहा है कैरियर ठीक है। तो ये क्या है दोनों क्या होंगे फीमेल्स क्या होंगे कैरियर होंगे, दोनों फीमेल्स क्या है कैरियर होंगे ठीक है, कैरियर फीमेल्स मतलब दिया कैरियर कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब पूरी पूरी कंप्लीटली ये बन गया कैरियर, डोमिनेंट ट्रेट है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये डोमिनेंट वाले ही पार्ट एक्सप्रेस करेगा, कलर ब्लाइंड लोग नहीं होंगे बट क्या है एक ऐसा क्रोमोसोम आ गया कि कैरियर्स है पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट के वजह से डोमिनेंट जीन के वजह से। तो ये क्या होंगे कैरियर फीमेल्स होंगे, एंड यहाँ पे देखो एक्स वाई नॉर्मल हो गया, नॉर्मल एक्स आया है तो ये सब क्या है नॉर्मल, जो नॉर्मल सन होंगे वो क्या होंगे नॉर्मल सन होंगे। तो अगेन जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, टू कैरियर फीमेल्स एंड टू नॉर्मल सन ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो में क्या बोलेंगे चारों के चारों क्या है नॉर्मली है, कैरियर है पर एक्सप्रेस नहीं करे कलर ब्लाइंड है, दे आर जस्ट कैरियर्स ऑफ दैट जीन ठीक है। तो ये हो गया केस वन नॉर्मल मदर एंड कलर ब्लाइंड फादर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा केस बिटवीन अ कैरियर फीमेल एंड अ कलर ब्लाइंड फादर, ये केस डिस्कस करते हैं। कैरियर मदर एंड अ कलर ब्लाइंड फादर, तो कैरियर मदर कैसे होंगे एक्स एक्स नॉट एंड कलर ब्लाइंड फादर एक्स नॉट वाई, इस तरीके से होंगे। अब इनके बीच में क्रॉस करेंगे तो क्या मतलब गैमेट्स रिलीज करेंगे एक्स। नाउ वी डिस्कस केस टू, केस टू इज व्हाट कैरियर मदर एंड
कलर ब्लाइंड फादर। तो कैरियर मतलब क्या होगा, एक्स एंड एक्स नॉट गैमेट्स रिलीज करेंगे एंड एक्स ये कलर ब्लाइंड फादर क्या रिलीज करेंगे, एक्स नॉट एंड वाई गैमेट्स रिलीज करेंगे। अभी हम लोग के बीच में पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं थ्रू गुणित स्क्वायर, ठीक है। Okay, so this is your homework.